एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं श्री चंडी देवी टेम्पल। देखो ये रिक्शा ने हमें यहाँ पर उतार दिया और अभी देखो ये है यहाँ का वेलकम बोर्ड और यहाँ से हमें एंट्री लेनी है। सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से एंट्री लेनी है। तो पक्का हो चुका कि हमें यहाँ से एंट्री लेनी है और अभी हम अंदर जा रहे हैं। देखो वहाँ पर है ना स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी और फिर आप यहाँ से अंदर जा सकते हो। हियर इज द टिकट विंडो, यहाँ से आपको टिकट लेनी है अपनी उड़न खटोले यहाँ के रोप पे की। देखो यहाँ पर भी है ना, देखो वेटिंग एरिया है, आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा जब तक आपका नंबर नहीं आता। एंजॉइंग द पॉपकॉर्न्स। इसे ना टिकट मिलेगी हमको, मतलब आपको यदि आ रहे हो, और फिर यहाँ पर आगे बिल्कुल सेम है मनसा देवी जैसा। देखो नंबर लिख रखा है 732। जब ये नंबर हमको बुलाया जाएगा तब हम जाना है, तब तक बस आराम करो। और देखो अभी मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ। समय अंदर तो बुला लिया लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर भी है ना इतना ज़्यादा वेटिंग तो नहीं है लेकिन वेटिंग तो है ही। तो है ना पर पर्सन का जो टिकट है ना वो 220 रुपीज़ है और जो छोटे बच्चे हैं उनका 95 रुपीज़ है। तो हमें ना वहाँ से सीढ़ी चढ़ के आए थे और अभी ऊपर जाना बाकी है। गाइस हम पहुँच गए, बैठ चुके हैं, उतर चुके हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ना वे टू टेम्पल, तो हम यहाँ पर मंदिर की तरफ जा रहे हैं चल के। गाइस वो गंगा नदी है, यहाँ से ना थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी हमें मंदिर तक। फ्रेंड्स व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। यहाँ पर है ना आपको अपने चप्पल शूज वगैरह निकालना पड़ेगा। पर ऊपर भी मार्केट है, कैंटीन है, मतलब आपको जो भी सारी चीज़ें चाहिए ना सब आपको यहीं पर मिल। पहुँच गए जी, पहुँच गए फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें बंदर मिल गए। देखो यहाँ पर बहुत सारी पता नहीं तो क्या कहते हैं लेकिन माता जी की जो श्रद्धा है वो दिख रही है। दर्शन हो गए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हो गए और अभी हम नीचे जा रहे हैं और वापस जाएंगे अपने रोप पे में। तब तक मैं आपको थोड़ी सी यहाँ की मार्केट दिखा दूँ। तो यहाँ पर भी मार्केट है ना, यहाँ पर भी सारी चीज़ें मिल जाती है, बच्चों के खिलौने, लेडीज़ का सारा सामान वगैरह वगैरह सब मिल जाता है और यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स मार्केट तो है ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी, आपको अभी आप आओगे ना पूरा दिन निकल जाएगा, बट हमारे पास इतना सफिशियंट टाइम नहीं है तो अभी हम ऐसी थोड़ी सी खरीदारी करके यहाँ से निकल रहे हैं। ओके अभी हम यहाँ पर ऊपर आ गए तो मैंने सोचा थोड़ा सा खा पी लें। तो अभी हमने समोसा ऑर्डर किया और मैंने सुना कि यहाँ का फेमस है गरम गरम गुलाब जामुन। हेयर इज दी समोसा एंड हेयर इज दी आलू टिक्की, 40 रुपए के दो अलग टेस्टेड। वो यहाँ पर मैं मस्त बन ठन के देखो फोटो खिंचवा रहा हूँ। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। आलू टिक्की समोसा और गुलाब जामुन खा लिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और मज़ा आ गया। और चलिए अभी चलते हमारे उड़न खटोले में। यहाँ पर भी इतनी लाइन है। अभी हम उतर चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा माता जी के दर्शन करके। यहाँ पर लाखों की आबादी में श्रद्धालु आते हैं और माता जी से अपनी मन्नतें आशीर्वाद सब मानते हैं, अपनी इच्छाएं मांगते हैं और माता जी पूर्ण भी करती है। सो बस अभी आज का व्लॉग यही कंप्लीट करते हैं। सो इफ यू लाइक दिस व्लॉग डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ट्रैवलिंग व्लॉग्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।